चाय पर ये चर्चा की गई है, अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चर्चा कहिए या फिर आप कहिए कि मंत्र दिया जा रहा है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि अब आगे जो मोदी सरकार 3.0 जो एक बार फिर से देश में विकास, देश की तरक्की के लिए तत्परता दिखाते हुए आगे अब काम करने वाली है, उसमें तमाम इन मंत्रियों के साथ जिनको मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, मंत्री पद इनको दिया जाना है, उनके साथ चर्चा नरेंद्र मोदी ने की है। तो ये सांसद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके साथ चर्चा कर रहे हैं, इनमें से ही अब वो चेहरे आगे निकलकर आएंगे जो मोदी कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। संभावित मंत्रियों की जो पहली सूची आ रही है सामने और तस्वीर आ रही है सामने, वो हम आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार 3.0 की ये संभावित तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर जो चर्चा हुई है वो खत्म हो चुकी है। संभावित मंत्रियों की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। चाय पे चर्चा के दौरान संभावित मंत्रियों को पीएम ने कहा है कि शपथ के बाद काम में जुट जाना है। ये देखिए वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ये वो सांसद है जिन्होंने जीत दर्ज की है। किसी ने जीत की हैट्रिक मारी है, किसी ने चौथी बार जीत दर्ज की है, किसी ने पांचवी बार जीत दर्ज की है और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करते हुए मोदी सरकार 3.0 आज बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल रहे हैं। महज कुछ ही घंटों के बाद पीएम मोदी का तीसरी बार का भव्य राजतिलक होना है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लिहाजा दिन भर दिल्ली में सियासी हलचल बनी रहने वाली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की स्क्रीन पर और इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आज राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। शपथ के लिए राष्ट्रपति भवन इस समय सज चुका है, तैयार हो चुका है। अब से थोड़ी ही देर पहले पीएम आवास में जो चाय पर चर्चा हुई है उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। संभावित मंत्रियों को पीएम मोदी की ओर से निमंत्रित मिला था। सभी मंत्रियों से पीएम मोदी ने चर्चा की है। तमाम संत भी शपथ समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो वहीं आपको बताएंगे भारत के पड़ोसी मेहमान भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी की शपथ से पहले देश भर में जश्न का माहौल। तो पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा हुई है और ये चर्चा अब खत्म हो चुकी है। बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं इस पर। संभावित मंत्रियों की पहली तस्वीर जो सामने आई है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें दिशा निर्देश पीएम की तरफ से इनको दिए जा रहे हैं। चाय पर चर्चा के दौरान संभावित मंत्रियों को पीएम ने कहा है कि शपथ के बाद काम पर जुट जाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिखेंगे, मनोहर लाल खट्टर भी आपको दिखेंगे, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, हर्ष मेहरोत्रा हैं, भागीरथी चौधरी हैं और तमाम वो सांसद जो जीत के पहुंचे हैं यहां। तो चर्चा इसी बात को लेकर हो रही थी कि राष्ट्रतिलक तो मोदी का होगा, मोदी सरकार 3.0 बनेगी, लेकिन मोदी क्या? भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदय पूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर का कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूँ कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, पर जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम सौ दिन के एजेंडे को लेकर के। तो देखिए ये चर्चा अब पूरी हो चुकी है। इस बार यूपी से कितने मंत्री बनाए जाते हैं ये सबसे ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन ये भी आपको जानकारी दे देते हैं कि देखिए उत्तराखंड के
उत्तराखंड के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से सांसद अजय टम्टा मंत्री बनने जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं अजय टम्टा। अजय टम्टा को पीएम आवास से कॉल आ चुका है। अजय टम्टा पीएम आवास पर हुई मीटिंग में शामिल भी हुए हैं। पीएम आवास पर उन्हीं सांसदों को बुलाया गया था जो मंत्री बनने वाले हैं। उत्तराखंड से अजय टम्टा को मंत्री बनाया जाना है। अब अजय टम्टा इससे पहले 2014 में भी मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अजय टम्टा लगातार तीसरी बार सांसद बनने चुके हैं और 2014 में लगातार तीन बार अजय टम्टा ने चुनाव जीता था। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं अजय टम्टा। और जानकारी हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात देंगे। इस समय देहरादून से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं सुनील नप्रभात। सुबह यही सवाल पूछा था मैंने आपसे कि देखिए उत्तर प्रदेश में तो संभावित मोदी कैबिनेट के मंत्रियों को फोन आ चुका है, ट्रिंग ट्रिंग हो चुकी है, उत्तराखंड में किसके फोन की घंटी बजी है? तो अजय टम्टा साहब की फोन की घंटी बज चुकी है। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है। दिल्ली में इस समय मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर उन्होंने इस समय जो बैठक हुई है उसमें वो शामिल भी हो चुके हैं। तो ये गौरव कपल उत्तराखंड के लिए जो 5 सीटें एक बार फिर से उत्तराखंड ने जीती है, 5 कमल मोदी तक पहुंचाए हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है आप केंद्र में रहते हुए अजय टम्टा निभाएंगे। इतने सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, बाकी की जानकारियाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा के साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग। सर तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बनेंगे, 100 दिन का कार्यकाल महत्वपूर्ण देखने को मिलता नजर आया, इस तरह की चर्चा भी बैठक में रही है। बताओ तो जो आपको पता वो उतना ही मुझे पता है। जो सर एक सर ये चीज बता दीजिए, किस तरह की तैयारी होगी, शपथ ग्रहण होगा, तमाम जो विधायकों को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है, जानकारी जो प्रबंध व्यवस्था में लोग लगे हैं उनको पता है। हमको जरूर 4 कार्ड मिले हैं कि उन 4 कार्डों पर हमारे परिवार के लोग, बाकी जो स्टाफ के लोग उसमें जा सकते हैं। आप शुभकामनाएं ले रहे हैं सर? धन्यवाद, बहुत बहुत आपकी ओर से शुभकामना और मेरा मैं आपकी धन्यवाद करता हूँ, इतना आपने सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संदीप भी इस समय मौजूद हैं दिल्ली से और सुनील नप्रभात भी इस समय मौजूद हैं। संदीप के पास चलते हैं, उनसे जल्दी से अपडेट ले लेते हैं कि सुनील नप्रभात देखिए नतीजे आने के बाद से ही विपक्ष एनडीए को इस बात पर घेर रहा था कि गठबंधन की सरकार नहीं चलती है और ना ही चलेगी, लेकिन ये बात सराहनीय है, देखे जाने वाली है कि एनडीए में जो घटक दल हैं बीजेपी ने उनको भी संतुष्ट किया है। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट, सबने पीएम मोदी के साथ जो अब से थोड़ी देर पहले चर्चा की है सबके चेहरे पर संतुष्टि और एक हर एक दल हर एक घटक दल को बीजेपी ने संतुष्ट करने की जो कोशिश की है उस रास्ते पर सफलता पाती हुई नजर आ रही है। चर्चा पूरी हो चुकी है, क्या बड़ी बातें निकलकर अंदर से सामने आ रही है? जो अंदर बैठे हुए थे मंत्री, मोदी कैबिनेट के जमाम सांसद जो बैठे हुए थे, उनसे अगर आपने चर्चा की है तो उन सबका क्या रिएक्शन है? पहला संदीप, देखिए मोदी आवास पे जो चर्चा चल रही थी, जो बैठक चल रही थी वो समाप्त हो गई है, खासकर उत्तराखंड में जहां अजय टम्टा को मंत्री बनाया जाना लगभग तय हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक जहां हम लोग चर्चा कर रहे थे 6 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन जो नई अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री समेत 10 मंत्री आज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, 10 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें जो अभी तक नाम सीन से गायब चल रहा था कमलेश पासवान का नाम आया, ये बांसगांव से लोकसभा सदस्य हैं और इन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है, कई बार ये सांसद रह चुके हैं, लिहाजा कमलेश पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। एसपी सिंह बघेल का भी नाम इसमें जुड़ा है। वहीं यूपी से राज्यसभा सदस्य हरदीप पुरी को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में 10 मंत्री यूपी से बन सकते हैं और 6 नाम पहले जैसे दर्शकों को दिखाया जा रहा था, घटक दल के भी नाम है जो कि जयंत चौधरी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, इनको भी मंत्री बनाया जाएगा। अगर बात करें मोदी 2 सरकार की तो प्रधानमंत्री समेत 14 मंत्री केंद्र में थे यूपी से, इस बार 10 मंत्रियों को मोदी 3 में भी जगह मिलने की उम्मीद है। हालांकि फाइनल इसको अभी थोड़ी देर में लिस्ट जारी हो जाएगी जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना हो, लेकिन अभी तक जो बात सामने निकल कर आई है, जो बैठक में लोग शामिल थे
उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश से कमलेश पासवान भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, एसपी सिंह बघेल भी और हरदीप पुरी भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की भागीदारी भी लगभग ठीक रहेगी, क्योंकि पिछली बार सीटें बीजेपी की ज्यादा थी, इस बार कम आई हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के जो संसद सदस्य हैं मोदी 3 सरकार में काफी अहमियत रखेंगे, उनके पास अहम विभाग भी होंगे। रक्षा मंत्री जो पिछली बार राजनाथ सिंह थे उनको भी इस बार अहम पद अहम विभाग मिलना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 10 ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश से सीटें भले ही कमाई है, लेकिन जो मोदी कैबिनेट में चेहरे शामिल हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश से 10 लोग आप कह रहे हैं, 10 मंत्री जो हैं वो पहुंच रहे हैं केंद्र की राजनीति में। संदीप, मैं लौटूंगी आपके पास। कुल मिला के जो 51 नामों की लिस्ट सामने आई है, ये नई मोदी कैबिनेट की लिस्ट, संभावित लिस्ट है जो सामने आई, जिसमें 51 नाम है। एक नाम सुनील नपरात, अजय टमटा का भी इसमें शामिल है। उत्तराखंड के लिए गौरव का पल है ये, क्योंकि सुबह यही कयास लगाए जा रहे थे कि वो कौन सा भाग्यशाली सांसद हो सकता है जिसको फोन कॉल आ सकता है और केंद्र में एक बड़ी भूमिका मिल सकती है निभाने के लिए। तो अब इस बात पर मोहर लग गई है कि अजय टमटा केंद्र की राजनीति में पहुंच चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। बिल्कुल कंचन, और उत्तराखंड का उत्तराखंड बीजेपी का जो शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 3 टर्म में, उसको देखकर ये लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तराखंड को इस बार भी केंद्रीय कैबिनेट में अवश्य जगह मिलेगी। जहां तक अजय टमटा की बात है, वो 2014 से 19 के टर्म में भी 16 से 19 के बीच कपड़ा राज्य मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, उनके पास एक शानदार अनुभव है, ये उनका 3रा टर्म है। और अजय टमटा को केंद्रीय कैबिनेट में जगह देकर बीजेपी ने एक तरह से उत्तराखंड में जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने की कोशिश की है। जिस तरह से आप उत्तराखंड में देखें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कुमाऊं से आते हैं, ठाकुर हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट गढ़वाल से आते हैं तो ब्राह्मण हैं, और इस तरह से SC वर्ग को जगह देकर अजय टमटा को केंद्र कैबिनेट में जगह देते हुए यहाँ पर बीजेपी में, खासकर भाजपाइयों में काफी उत्साह का माहौल है, क्योंकि लगातार जब से केंद्र कैबिनेट के गठन की बात चल रही थी उत्तराखंड की नजर दिल्ली पर थी कि उत्तराखंड के पांचों जो सांसद है उनमें से किसको जगह मिलती है। तो एक बार फिर से अजय टमटा पर केंद्र ने भरोसा जताया है और उनको एक बार फिर से केंद्र कैबिनेट में लिए जाने की पूरी पूरी संभावना बनी है। जी ठीक है, तो देखिए हलचल जो सुबह से हम देख रहे हैं दिल्ली में, उसमें अब जो आप समझ सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो चर्चा की है, ये वो सभी मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले चेहरे हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं और कह दिया गया है कि बस अब आगे शपथ ग्रहण के बाद बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए देश की सेवा में लग जाना है। सुनील नपरभाती बने हैं, संदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं, इनके पास चलेंगे, लेकिन इससे पहले एक जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो भी दिल्ली में इस समय मौजूद हैं। दिल्ली में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा दिन है और 3रे कार्यकाल में और भी बड़े काम होने हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से मंत्री पद पर सीएम धामी ने कहा कि ये पीएम का अधिकार है और उनके दिल में उत्तराखंड बसता है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनके साथ सभी माननीय मंत्रीगण जिनकी आज शपथ हो रही है उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी जहां पर जिस राज्य को भी जैसा प्रतिनिधित्व देना होगा उस हिसाब से अपने अनुरूप देंगे और वो सब उनके ध्यान में रहता है।